खबर कानपुर देहात से है, जहां मयूर फैक्ट्री के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत, मुआवजे में अड़े परिजन। फैक्ट्री की गाड़ी में फैक्ट्री का सामान लेकर जा रहा था ड्राइवर, उन्नाव के पास सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। आपको बता दें कि परिजन शव को लेकर फैक्ट्री के गेट पर बैठे। मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक के 3 बच्चे और बीवी हैं, कैसे होगा भरण पोषण। भारी संख्या में फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हुए लोग, मुआवजे की मांग कर रहे परिजन। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को शांत कराने का प्रयास कर रही है। मामला रनिया थाना क्षेत्र के रनिया इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित मयूर फैक्ट्री का है। यहाँ पे मेरा नाम हिमांशु द्विवेदी है और यहाँ पे जो एम्प्लॉयर थे उनकी डेथ हो चुकी है ट्रक लड़ने से। उनका नाम था अनिल मिश्रा जी, स्वर्गीय अनिल मिश्रा जी। उनकी 2 बच्चियां हैं, उनके लिए हमें मुआवजा चाहिए। हमें किसी की संपत्ति को ना हानि पहुंचे। कौन सी फैक्ट्री में काम करते थे? कानपुर एडविल मयूर फैक्ट्री ये जानी जाती है। कितने सालों से काम कर रहे थे? लगभग 11-12 साल हो चुके। आप लोगों ने 100 यहाँ फैक्ट्री में रखा है? वो एम्बुलेंस है वहाँ पे सब रखा है। जब तक यहाँ पर हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक ये सब यही रहेगा। हम लोग यही रहेंगे, यही खाना पीना बना। क्या मांग है आपकी, क्या चाहिए? ये 2 बच्चियां हैं, दोनों के नाम 10-10 लाख रुपए, और बच्चे के लिए सर्विस, पढ़ा लिखा बच्चा। फैक्ट्री वाले कम क्या कह रहे हैं, क्या बोले? फैक्ट्री वालों ने ये रिस्पॉन्स दिया, 50,000 रुपए दे रहे थे कि क्रियाकर्म करो, बात बाकी हम अपना नंगा नाच कहेंगे। क्योंकि ये जानते थे वो अकेला बंदा था, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आसपास हादसे होते रहते हैं, यही करते हैं ये, वही अपने साथ भी सोच रहे हैं। तो यहाँ ब्राह्मणों से पाला है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, और यहाँ पे 4-5 आ गए हैं सिक्योरिटी के लिए। हमें सिक्योरिटी में कुछ करना भी नहीं है तखलंदाजी। हमें अपना क्या नाम था भैया का जिनका एक्सीडेंट हुआ? स्वर्गीय श्री अनिल मिश्रा। उम्र क्या होगी? लगभग तकरीबन 50-55 पहुंच। डीसीएम चलाते थे यहाँ? यहाँ का डीसीएम का ट्रक बोल रहे हैं, आईसर का वो जो आता है एक बड़ा वाला ट्रक, बस वही था। कहाँ के रहने वाले थे हम लोग भैया? ये 12 सरोई कल्याणपुर।